मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं, गर्मी की चिलचिलाती दोपहरी और रात की बेचैनी ने जीना मुश्किल कर दिया है। इस भीषण गर्मी में सिर्फ एक ही चीज राहत दे सकती है, जो है मानसून। हालांकि अभी मानसून काफी दूर है, देश के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे लोगों के लिए मौसम विभाग से राहत की खबर जरूर आई है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि इस बार देश में मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून इस बार 20 मई के बाद कभी भी केरल से दस्तक दे देगा। आपको बता दूं, देश में सामान्य तौर पर मानसून की शुरुआत केरल में 1 जून से होती है, लेकिन मौसम विभाग ने मानसून के जल्द आगमन के संकेत लेटेस्ट विस्तारित रेंज पूर्वानुमान से दिए हैं। इसे पुणे स्थित IITM में विकसित मल्टी मॉडल एक्सीडेंट रेंज प्रिडिक्शन सिस्टम का उपयोग करके तैयार किया गया है। IITM के टॉप से एक्सपर्ट ने अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि मई 5 से 1 जून की 4 सप्ताह की विस्तारित अवधि के पूर्वानुमान के अनुसार केरल में मानसून की शुरुआत 20 मई के बाद कभी भी हो सकती है। एक्सपर्टों ने यह भी कहा है कि एक चक्रवाती तूफान बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर बनने जा रहा है। इससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून के प्रवाह को मजबूत करने में मदद मिलने की भी संभावना है। मौसम विभाग समेत देश के मौसम पर नजर रखने वाली सभी प्राइवेट एजेंसियों ने भी कहा है कि इस बार मानसून सामान्य रहेगा। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि मानसून इतनी तारीख को भारत में दस्तक देगा, लेकिन कुछ एजेंसियों का अनुमान है कि इस बार केरल में मानसून 1 जून से पहले दस्तक दे सकता है। और देखिए, आपको बता दूं, जब केरल में आमतौर पर 1 जून को मानसून दस्तक देता है, तो राजस्थान पहुंचते-पहुंचते मानसून को 1 महीने का समय लग जाता है। आमतौर पर कहा जाता है कि पूर्वी राजस्थान में मानसून 15 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच प्रवेश कर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वैसे पिछले 3 मानसून यानी कि 2019, 20 और 21 तीनों मानसून पर हमारी भी पैनी नजर बनी हुई थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तीनों राज्यों में ही जुलाई के बाद ही अच्छी बारिश हुई थी। और अभी भी हमारा यही मानना है कि 1 जून तक मानसून केरल में दस्तक देगा और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में मानसून को आते आते 1 महीना लग जाएगा, यानी कि जून के अंतिम दिनों में और जुलाई के पहले सप्ताह में इन तीनों ही राज्यों में मानसून प्रवेश कर सकता है। हालांकि अभी यह कहना काफी जल्दबाजी होगी, क्योंकि आगे मौसमी प्रणालियां क्या कहती है उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे मौसमी सिस्टम बन जाते हैं जो मानसून को जल्दी आगे की ओर धकेलते हैं, और कई बार जो पाकिस्तान की तरफ से पश्चिमी हवाएं शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये हवाएं मानसून को रोक देती है, जैसा पिछली बार हुआ था। लेकिन फिर भी जो हमारा अनुमान है, 1 जून को केरल में मानसून दस्तक देगा और जुलाई के महीने में राजस्थान में भी मानसून की बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। तो फिलहाल यही थी आज की बड़ी अपडेट। वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।